प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि भारत की ग्लोब पर क्या स्थिति है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसको हम ग्लोब के माध्यम से इसको समझें। आज हम लोग भारत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं कि विश्व के मानचित्र पर, सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्व के मानचित्र पर भारत की क्या स्थिति है। तो संसार में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत आता है। भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक। और भारत की राजधानी वो नई दिल्ली है, ठीक। भारत एक प्रायद्वीपीय, क्या है, प्रायद्वीपीय एक देश है, क्योंकि तीन तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। भारत का दक्षिण भाग एक प्रायद्वीप है, ठीक, इसलिए इसको हम दक्षिण का प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि तीन तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, ठीक। अब हम जानेंगे कि भारत के प्रसिद्ध मतलब नेशनल प्रतीक क्या क्या हैं। तो हमारे देश का जो नेशनल प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज, वो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ठीक। और हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। और हमारे देश का जो सबसे प्रिय खेल है वो क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, वो हॉकी है। और राष्ट्रीय गान ज्ञान क्या है, जनगण मन हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, जनगण मन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक। और हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, नेशनल फ्लावर, वो है कमल का फूल, ठीक। और नेशनल एनिमल क्या है, राष्ट्रीय पशु हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय पशु हमारे देश का है बाघ है, ठीक। और आगे देखेंगे हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव हमारे देश का जो जल में रहने वाला जीव है वो क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारे देश का जिसको हम डॉल्फिन कहते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन, ठीक। और राष्ट्रीय पंचांग सकसंवत है, ठीक। और देश का जो नेशनल जो फ्रूट है, राष्ट्रीय फल, वो आम है। हमारे देश की जो नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा, वो हिंदी है, ठीक। और राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री जिसको कहा जाता है, वो बरगद है, ठीक। और राष्ट्रीय पक्षी, हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, मोर, ठीक। आगे देखेंगे कि देश का जो राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है, नेशनल रिवर कह लीजिए, कौन सी नदी है राष्ट्रीय नदी, तो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है भारत की, और जो गंगोत्री से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, अशोक स्तंभ है, ठीक ठीक। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ से लिया गया है, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, भारत की जो राजधानी, आपको पहले बता चुके हैं भारत की राजधानी वो नई दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, सर्वोच्च न्यायालय भी नई दिल्ली में स्थित है, ठीक। आज यहीं तक, ठीक, धन्यवाद।